हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक 2020 का हुआ रंगारंग समापन। 23 जुलाई से शुरू हुए ओलंपिक में 200 से ज्यादा देशों के हजारों एथलीट्स ने लिया हिस्सा। समापन समारोह में बजरंग पुनिया ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। बजरंग ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत के लिए बेहद सफल रहा टोक्यो ओलंपिक। पहली बार गोल्ड मेडल समेत 7 पदक जीतकर रचा इतिहास। एक गोल्ड समेत 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा भारत। 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज जीतकर अमेरिका रहा टॉप पर। मेडल लिस्ट में चीन दूसरे स्थान पर। चीन ने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ओलंपिक 2020 का मेजबान जापान मेडल सूची में तीसरे स्थान पर रहा। 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीते। ओलंपिक 2020 के समापन पर पीएम मोदी का ट्वीट। सभी भारतीय खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा सोमवार को लौटेंगे वापस। स्वागत की चल रही तैयारियां। नीरज चोपड़ा की मां बोली, नीरज के स्वागत में बजेगा डीजे और बैंड, हमारे लिए मनेगी होली और दिवाली। नीरज के पहुंचने से पहले ही उसके घर पर शुरू हुआ जश्न। घर परिवार के लोगों ने नाच गाकर मनाई खुशियां। मेडल जीतने के बाद बजरंग पुनिया बोले, 4 ओलंपिक से कुश्ती में लगातार दिए मेडल, 2024 में भी आएंगे 3 से 4 मेडल। बजरंग पुनिया बोले, देश में खेल विश्वविद्यालय बनेंगे तो आएंगे ज्यादा मेडल। स्कूलों में खिलाड़ियों के मार्गदर्शन की जरूरत। भुवनेश्वर की कलाकार प्रियंका ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की घरेलू सामानों से बनाई एक शानदार पेंटिंग। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 21 साल बाद क्लब बार्सिलोना को कहा अलविदा। कहा, मैंने कभी इस दिन के बारे में सोचा नहीं था। सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलने को बताया ओछी मानसिकता। कहा, मेजर ध्यानचंद के नाम करनी थी कोई और बड़ी घोषणा। खेल रत्न का नाम बदलने पर बोले मेजर ध्यानचंद के पोते, हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगी प्रेरणा। सोमवार को यूएनएससी की हाई लेवल ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होंगे शामिल। 10 अगस्त को उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। यूपी के महोबा में बांटेंगे एलपीजी कनेक्शन। 9 और 10 अगस्त को जम्मू कश्मीर दौरे पर होंगे राहुल गांधी। श्रीनगर में बने नए पीसीसी ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। 28 जुलाई को संसदीय समिति की बैठक में अधिकारियों ने नहीं आने पर बोले शशि थरूर। कहा, लगता है उन्हें शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए थे। आगरा में पार्टी पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक में जेपी नड्डा और सीएम योगी हुए शामिल। बैठक में नड्डा और योगी ने बीजेपी नेताओं को बताया 2022 में जीत का रोडमैप। चुनाव में बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर हुई चर्चा। आगरा के चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी। जेपी नड्डा ने कोरोना काल में योगी के काम की तारीफ की। वैक्सीन को लेकर विरोधियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा, 9 महीने के अंदर 2-2 कोरोना वैक्सीन बनी। मोदी सरकार आने के बाद यूपी में 30 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। सीएम योगी ने यूपी में कोरोना नियंत्रण में होने की बात कही। बताया कि यूपी का हर जिला ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर है। यूपी के लोगों को सीएम योगी ने दिया भरोसा। कहा, तीसरी लहर में भी किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। 9 अगस्त से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी मेगा अभियान। अगले साल 26 जनवरी तक 100 से ज्यादा कार्यक्रम करेगी बीजेपी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, यूपी पॉलिटिक्स में चाहते हैं अपना शेयर और ये शेयर हम लेकर रहेंगे। मायावती के बाद अखिलेश यादव ने भी खेला ओबीसी कार्ड। कहा, यूपी में सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने कहा, बीजेपी कभी नहीं कराएगी जातीय जनगणना, सिर्फ वोट के लिए दिए जा रहे हैं मंत्री पद। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, सीएम योगी ने रोका था यूपी का विकास, इनका विकास सिर्फ विज्ञापन में। ओपी राजभर का बयान, अगर सपा छोटे दलों से गठबंधन करती है तो पूर्वी यूपी में बीजेपी को नहीं मिलेगी एक भी सीट। रायजोर दल के चीफ अखिल गोगोई का बयान, सीएम ममता बनर्जी ने रायजोर दल के टीएमसी में विलय के लिए बुलाया। कर्नाटक में विभाग बंटवारे से नाखुश आनंद सिंह से सीएम बोम्मई ने की बातचीत। कहा, नाराज लोगों को नागराज से जल्द करूंगा बात। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री अश्वस्त नारायण सेन का बयान, कई नई शिक्षा नीति से बेहतर भविष्य का होगा निर्माण। असम मिजोरम बॉर्डर विवाद को लेकर सोमवार को पीएम से मिलेंगे असम के सीएम। असम के बीजेपी सांसद भी रहेंगे साथ में मौजूद। असम से मिजोरम भेजी जा रही गाड़ियां, लैलापुर में असम के मंत्री परिमल और अशोक सिंघल रहे मौजूद। दिल्ली पुलिस ने ईरानी गैंग के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सीबीआई अधिकारी बनकर करते थे ठगी। केरल मेडिकल ऑफिसर ने सीएम पिनरई विजयन को लिखी चिट्ठी। अस्पतालों में डॉक्टरों पर हो रहे हमले के खिलाफ एक्शन की अपील। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज ने दिखाए अच्छे रिजल्ट्स, आईसीएमआर की स्टडी में दावा। देश में कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 491 लोगों की मौत, करीब 44,000 लोग रिकवर। यूपी में कोरोना के 58 नए मामले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। जम्मू कश्मीर में कोविड प्रतिबंधों के बदलाव, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 25 लोग हो सकते हैं इकट्ठा।
जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले में नहीं होगा वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू रहेगा लागू, स्कूलों को अभी नहीं खोला जाएगा। हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त तक बढ़ाई पाबंदियां, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार। रात 8 बजे जनता को संबोधित करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे, कोरोना को लेकर जल्द करेंगे संवाद। बीजेपी विधायक नितेश राणे का बयान, मुंबई का हाल बंगाल जैसा हो गया है, नए नियमों की वजह से गणेश उत्सव मनाना मुश्किल है। नितेश राणे ने हिंदू धर्म को खतरे में बताया, कहा उद्धव सरकार धीरे धीरे हमारे त्योहारों को खत्म कर देगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में बाढ़ के हालात का जायजा लिया, जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की बात कही। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।